देखो बच्चों कितना सरल सा सवाल पूछा गया एग्जाम में, और ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में एक्चुअली में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछ रखा है, यहाँ पे केवल इन्होंने इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। क्या पूछा गया यहाँ पे, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, नीट 2020 अक्टूबर का सवाल है, ठीक है। तो देखो इसमें है करना क्या है, हमें निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.6 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। तो बच्चों हमें पता है कि कुलोम्स फोर्स जो होता है, कुलोम्बियन फोर्स, दैट इज के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। E मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भाई दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में म्यूचुअली अट्रैक्शन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है 1.6 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो पूछा क्या गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन क्या है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यूज करना पड़ेगा। बच्चों के की वैल्यू क्या होते हैं, 9 × 10⁻¹, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में आर, आर की वैल्यू कितनी है, 1.6 है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों 10⁻¹⁰, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है बच्चों क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये 9 × 10⁻³¹ और इंटू में एक्सेलरेशन, सॉल्व कर लो इसको बच्चों, 9 से 9 कट गया यहाँ पे, ठीक है। देखो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो 1.6 तो कट चुका, 1.6 पूरा हट जाएगा, 10⁻⁹ बच्चों ये हो गया, 31 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 19 × 9 = 38 हो गया, तो माइनस में 38 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 10⁻² है यानी 10⁻⁻², पावर × 10 × 20 हो गया, ऊपर जाके +20 हो जाएगा। आपका ये एक्सेलरेशन है, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, क्या आएगा, 40 40 में से 38 गया 2 2 जमा में 20, कितना हो गया 22, सो 10⁻²² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ऐसा एक सवाल और है बच्चों, आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तब आपको यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन यूज करना है। जरा कमेंट में टाइप करके बताओ कि इसमें जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। देखो बच्चों नीट 2019 में आया ये सवाल है, इसमें क्या बोला गया है, दो पॉइंट चार्ज है ए और बी, हैविंग द चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स। देखो यहां पे क्या बोला गया है भाई, दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है आर, ओके। अब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है बच्चों वो एफ लग रहा है, क्या लग रहा है एफ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हो ये लग रहा है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों क्या कहा जा रहा है यहाँ पे इस वाले सवाल में, कि अब यहां से 25% चार्ज घटा दिया गया है, 25% चार्ज प्लस क्यू से जो यहाँ पे माइनस क्यू है इस पर ट्रांसफर कर दिया, यहां से जो है 25% चार्ज कम करके माइनस क्यू को दे दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों इस पे चार्ज कितना रह गया, 25% का मतलब हो गया 1/4 चार्ज, 25% का मतलब हो गया बच्चों 1/4, तो यानी पूरे एक में से 1/4 चार्ज कम कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3/4 क्यू चार्ज बचेगा। अब देखो 25% प्लस चार्ज यहाँ पे चला गया, ये तो माइनस चार्ज है, और 1 में से 1/4 घटाओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये भी 3/4 क्यू हो जाएगा, वो भी नेगेटिव का, यानी यहां पे 25% कम हो रहा है तो बच्चों यहाँ पे 25% बढ़ जा रहा है, लेकिन नेगेटिव में अगर आप क्वांटिटी ऐड करोगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा एक तरह से। तो बच्चों नया फोर्स क्या हो गया, 3 यानी के इंटू 3/4 क्यू × 3/4 क्यू बटे में आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही रहेगा सेम, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, तो भाई 3 × 9 9/16 × kq² / r² और यही बच्चों क्या था, जो बच्चों जो फोर्स लग रहा है शुरू शुरू में इन दोनों चार्ज के बीच में, यही एफ है, यही तो फोर्स है, तो भाई क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पे, 9/16 एफ हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है।
देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नीट 2017 के सवाल है। इस सवाल में पूछा गया है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, इज द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज जीरो, देन डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर, डेल्टा ई का ऑर्डर बताना है और एमएच क्या है। बच्चे यहां पे सवाल ये है कि दो हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है और ये बोला जा रहा है कि जो यहां पे इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम, इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में, दो हाइड्रोजन एटम है बच्चों ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो नेट ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों का जो टोटल सम है बच्चों वो जीरो है, वेक्टर सम जीरो है बच्चों ध्यान रखना। अगर देखो मैंने अगर नेट फोर्स जीरो होता है, दो या तीन फोर्स की बात अगर जीरो कही जाती है तो इसका मतलब बच्चों अगर दो फोर्स की बात करें, दो की स्पेशली बात कर रहा हूं, अगर दो फोर्स है यहाँ पे ठीक है और उनका नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो बच्चों दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, तभी बच्चे कैंसिल करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, डेल्टा ई मतलब चार्ज है बच्चों यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। आप देखो एक हाइड्रोजन एटम पे टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस ई, ई प्लस डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। एक हाइड्रोजन पे टोटल चार्ज इतना हो जाएगा क्योंकि देखो यहां पे बोला है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है ठीक है, तो दोनों का आप सम करोगे तो डेल्टा ई आ जाएगा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के इनटू में डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस तो डी है यहाँ पे। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि जी इंटू में एम ई स्क्वायर एम एच स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है और अपॉन में डी स्क्वायर, भाई ये तो कट गया दोनों, के की वैल्यू होते हैं 9 × 10⁻¹। डेल्टा ई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, डेल्टा ई की वैल्यू होती है 1, डेल्टा ई तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है भाई है ना। और जी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितने, 6.67 × 10⁻¹⁻¹ और मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दे रखा है 1.67 × 10⁻²⁷ हो जाएगा ठीक है। ये बच्चों वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई का जो स्क्वायर है, डेल्टा ई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पे 9 × 63 के आसपास कट जाएगा, 6.67 है ना, तो 9 × 63 हो जाएगा, 0.7 पे कट जाएगा बच्चों, 10⁻¹ वहां जाके माइनस में हो जाएगी, तो 0.7 × 10⁻¹⁹ और −9 −20 हो गया बच्चों। यहाँ पे 27⁻², तो कितना हो जाएगा ये −54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये −54 हो जाएगा ठीक है। और इंटू में 1.67 का स्क्वायर लगभग ये मान लो 16 है तो 2.56 के अराउंड आ जाएगा। तो भाई इनकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, वैनिशिंग लगभग वैल्यू के आसपास आप लेट कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 10⁻¹ⁿ हो जाएगा बच्चों। ये वैल्यू तो वैनिशिंग है, यहां से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो ये भाई स्क्वायर रूट हो जाएगा, 10⁻¹⁹ स्क्वायर रूट करोगे इसका हाफ हो जाएगा और हाफ इसका −37 आएगा। तो भाई चार्ज का जो ऑर्डर है बच्चों वो है −37 कूलम्ब। देखो बच्चे नीट 2016 में आया सवाल है, सवाल क्या कहता है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मास लेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी, इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी बोल रखा है इन्होंने ठीक है, फार अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट अ कॉन्स्टेंट रेट, एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी वी, देन वी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स बिटवीन द स्फीयर्स एज। तो यहां पे क्या बोला गया बच्चों, दो चार्जेस है, इनको लटका दिया है किससे, मासलेस स्ट्रिंग से जिनकी लेंथ एल है ठीक है, इन दोनों चार्ज पे से क्या हुआ, जो चार्ज स्फीयर है यहां से चार्जेस लीक होना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया, भागना शुरू हो गया यहां से। जब ये चार्ज निकलने शुरू हो गए तो क्या हुआ, ये दोनों स्फीयर है ना एक दूसरे को अप्रोच करने लगे इस तरीके से, जब चार्जेस कम होने लग गया तो फोर्स इनके बीच में क्या हो गया बच्चों,
फीबल होने लगे, वीक होना शुरू हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज है पहली बात तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लग गए किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। तो लेट कर लो कि इन दोनों के बीच में अगर कॉन्स्टेंट रेट से दोनों से चार्ज निकल रहा है, बराबर चार्ज दोनों लीक कर रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगा एक्स के तौर पर। ठीक है, अगर आप देखो तो बच्चों मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, अगर आप देखो यहाँ पे सो लेट कर लो ये जो डिस्टेंस है आफ्टर आफ्टर लीकेज ऑफ द चार्ज वो एक्स रह गया। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है। ठीक है, लेट कर लो सपोज। ठीक है, और अभी यहां पर इनके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस होगा जो यहाँ पे वर्टिकल जो यहाँ पे एक लाइन है वर्टिकल, ठीक है, हर एक स्पेयर चार्ज स्पेयर से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लो ये बच्चों एंगल थीटा है। ठीक है, इस थी अगर मैं इस लेंथ को आगे तक अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो बच्चों ये एंगल थीटा हो तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखो इसका इसका एक मास होगा बच्चों इस चार्ज स्पेयर का, वो जो मास होगा वो एम होगा, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एम जी हो जाएगा। ओके, अब यहां पे देखिए बच्चों ये यहां पे ये क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन है इन दोनों चार्ज के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल है लाइन। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे जो टेन थीटा यहाँ पे आएगा बच्चों, जो टेन थीटा होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एम जी के बराबर हो जाएगा, एफ अपॉन एम जी के बराबर हो जाएगा, या सिंपल आप यहाँ पे ये लिख सकते हो एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा होगा। बच्चे ये रिलेशन याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नीट में इसी रिलेशन से लगभग तीन सवाल पूछे गए अभी तक, तीन से चार सवाल पूछे जा चुके हैं इसी रिलेशन से। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के बीच में x डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, mg तो यही रहेगा, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा बच्चे ये एंगल थीटा है ना, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो x अपॉन में ये वाला बेस क्या हो जाएगा, अगर ये बेस देखो तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। अच्छा ये एक्स बाई टू डिस्टेंस है ना, ये हाफ हो गया ना, यहाँ पे मिड पॉइंट पे हो जाएगा, ये मीडियन हो गया एक तरह से इस ट्रायंगल की, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो जो एक्स बाई टू है, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स बाई फोर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। यहाँ ये भी बोला गया है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बहुत ही बड़ी है, ठीक है, तो L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन X हो जाएगा एक तरह से, तो ये वाला X नेग्लेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट है आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, जो क्यू स्क्वायर है वो एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो एक्स की पावर थ्री बाई टू हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स की पावर थ्री बाई टू हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल क्या है, कॉन्स्टेंट रेट से जो चार्ज है वो लीक हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट रेट से, भाई टाइम भी तो यहाँ पे फैक्टर है, तो यानी हर सेकेंड कितना जो चार्ज जो लीक होगा वो बराबर होगा, यानी पर सेकेंड पर मिनट पर यूनिट टाइम में जो चार्जेस लीकेज हो रहा है वो बराबर होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बच्चों थ्री बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स बाई डी टी। डिफरेंशिएट आपने करना सीखा होगा, जो पावर होती है उसको पहले लिखते हैं, पावर में से एक घटा दोगे तो 1 बाई टू आ जाएगा, 3 बाई टू माइनस 1 बाई टू, 3 बाई टू माइनस 1 इज 1 बाई टू हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव चेन रूल लगाओगे तो dx बाई dt हो जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, यही तो वेलोसिटी है भाई, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहां पर अगर आप देखो तो जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस हाफ, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस हाफ। बच्चे इसको कई बार गलत तरीके से आंसर लिख के आ जाते हैं, वो कई बार इस आंसर को लिख के आ जाएंगे, सोचते हैं कि भाई v इज डायरेक्टली जो फोर्स होता है यहाँ पे वो ये हो जाता है ना हमारे पास KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके वो सोच के लिख के आ जाते हैं आंसर, तो ये आंसर नहीं होगा। देखो बच्चे 2013 में नीट में आया हुआ सवाल है, टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, टू पिथ बॉल है, ये दोनों पिथ बॉल है, कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, इन दोनों की लेंथ इक्वल है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ठीक है, एंड नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली एट अ हाफ ऑफ द हाइट,
यानी अब यहां से इस स्ट्रिंग को यहां से हटाकर कहीं बीच में आधे पे एकदम यहां पे क्लैंप कर दिया है, एकदम रिजिडली यहां पे क्लैंप कर दिया है, ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली एट द हाफ ऑफ द हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स, अब इनके बीच में, इन दोनों बॉल्स के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब ये जो दो चार्जेस है इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सवाल ये पूछा गया है। बच्चों देखो चार्जेस तो सेम है, अब जब रिजिडली क्लैंप करें तो भाई डिस्टेंस तो सेम ही रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है बच्चों। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, ये एंगल क्या है, थीटा है, करेंगे कैसे, इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, इन ये दोनों लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद फोर्स एफ, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहां पे ये एंगल थीटा है तो इसका जो वेट है mg नीचे एक्ट करेगा, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। वाई भाई ये और ये लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। तो यानी यहां पर जो बच्चों टेन थीटा आएगा वो आ जाएगा एफ अपॉन में mg, क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में mg हो जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू भी अगर आप देखो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। तो यहां पे जो टेन थीटा बच्चों हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी आर अपॉन टू अपॉन में वाई इक्वल टू एफ अपॉन में mg, यानी आप देखो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी आर अपॉन में टू वाई हो गया। ये बच्चों केस वन हो गया। अब इस वाले सवाल में देखो भाई, ये एंगल थीटा प्राइम लेट कर लेते, नया एंगल है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर लेते, ये एफ हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ही परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ठीक है, यानी वेट mg हो जाएगा और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सॉरी एफ, यानी एफ ही हो जाएगा, ये नया फोर्स है, ठीक है। अब देखो यहां पे बच्चों, यहां पे अगेन आप देखोगे जो टेन थीटा प्राइम है वो एफ प्राइम अपॉन mg हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये r है ना, r बट्टा दो कर दो, क्योंकि रिजिडली सपोर्ट है टेन थीटा में, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये r बाई टू ही रहेगा भाई, और ये y अपॉन टू, तो r अपॉन टू अपॉन y अपॉन टू क्या हो जाएगा, f प्राइम अपॉन में mg हो जाएगा, ठीक है। ये भाई कट गया दोनों, तो f प्राइम क्या हो जाएगा, mg r अपॉन में y हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, यानी f प्राइम अपॉन में f, इसको और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो आप देखना जरा f प्राइम अपॉन में f जब आप करते हो तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, 2 बाई वन भाई, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो नीचे 1 बाई टू, तो 2 ऊपर चला गया, तो f प्राइम क्या हो गया, 2f हो गया। अब ये नया फोर्स है भाई, इसकी वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई आर प्राइम स्क्वायर, और ये वाला फोर्स इन दोनों के बीच में जो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल जो कंडीशन थे हमारे पास, 2 इंटू में के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये पूरा कट गया बच्चों, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर बच गया, तो जो आर प्राइम है बच्चों वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो यानी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जब हटाओगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बाई अंडर रूट टू आर हो जाएगा। चेक कर लो जरा, स्क्वायर रेसिप्रोकल करोगे तो इसका भी रेसिप्रोकल आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है। अच्छा ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये आर बाई टू है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, बी ऑप्शन ठीक है। देखो बच्चे ये वाला सवाल AIPMT 2010 में पूछा गया था इलेक्ट्रिक चार्ज से। अच्छा अब आप बोलोगे सर AIPMT कहां से आ गया ये, अच्छा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पहले PMT और MMT दो लेवल के टेस्ट होते थे बच्चों, जैसे आज नीट IIT में जाने के लिए बच्चों को दो तरह के एग्जाम देना पड़ता है, एक मेंस और उसका एडवांस, एडवांस के लिए IIT में जाने के लिए एडवांस एग्जाम देना पड़ता है। ऐसे बच्चों पहले जो नीट नहीं था नाम, पहले PMT करके नाम हुआ करता था मेडिकल टेस्ट का, ठीक है, और स्टेट में अलग अलग होते थे, ये ऑल इंडिया होता था, ये पूरे भारतवर्ष के लिए सेंट्रल कह सकते हो आप इसे, ठीक है, और इसी के थ्रू एम्स का अलग पेपर होता था, ऐसे भी था उस टाइम पे, ठीक है। तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, यानी पहले प्री क्वालिफाई करो, फिर उसके बाद ऑल इंडिया मेन मेडिकल टेस्ट आता था, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े कॉलेज होते थे, एम्स वगैरह, इन सब में एडमिशन के लिए वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता था, तमाम तरह की जो एडमिशन होते थे MBBS में वो इसके बेसिस पे होते थे। फिर उसके बाद जब क्या कहते हैं, जब NTA आया, ठीक है, फिर नीट और जो क्या कहते हैं JEE, ये सारे जो है दो नाम दोबारा से नए निकाले गए ताकि एक कॉमन एग्जाम हो सभी MBBS और क्या कहते हैं BTech इंजीनियर वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, उसमें एडमिशन के लिए एक ही एग्जाम दे दो बच्चे, उसी से हो जाएगा। तुम
तो यहाँ पे मेडिकल वाले अलग कर दिए, उनको नीट देना पड़ता है, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, जिनको एनआईटीज चाहिए, एनआईटीज चाहिए, वो जेई क्वालिफाई करते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें सवाल क्या है। फिलहाल तो दो पॉजिटिव आयंस है, ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। यहां पे हमें बच्चों निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पूछा जाए तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए एन की, आपको एन निकालना है। और एन कहां से आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है, ठीक है, क्योंकि भाई जो चार्ज होता है हमेशा क्वांटाइज होता है। अगर एक चार्ज कोई भी अगर आयन होता है, अगर वो चार्जेस लूज कर रहा है, ठीक है, या कोई भी बॉडी चार्ज लूज कर रही है, तो वो क्वांटम ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही लूज कर सकती है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, टू पॉजिटिव आयंस हैं, मान लो दोनों आयंस क्या है पे क्यू क्यू हो गया, ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन डी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, है ना। और ये किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें जो क्यू की वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, क्यू होता है एन ई के बराबर, इसको यहां पुट कर दो, तो यहाँ पे जो फोर्स हो गया बच्चों के इंटू एन ई स्क्वायर, के की वैल्यू भी पुट कर लो आप, वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एन स्क्वायर हो गया बच्चों वो आ जाएगा फोर पाई इप्सिलॉन नॉट, ये क्रॉस इंटू हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन में ई स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओगे बच्चों तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इसका बच्चों ठीक है, करेक्ट है। AIPMT 2003 का ये सवाल है बच्चों, यानी नीट 2003 का ये सवाल है, आप ऐसे समझो इसे। यहां पे बच्चों बड़ा बेसिक सा सवाल है ये, मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सवाल है। बच्चे अक्सर इस सवाल में बहुत बड़ी गलती करते हैं, इतना आसान सवाल भी वो मिस्टेक करके आ जाते, बिल्कुल होती है, क्योंकि हम बड़े बड़े सवाल तो कर लेते हैं लेकिन छोटे छोटे सवालों पे फोकस ही नहीं करते हैं, हम सोचते हैं ये आएगा ही नहीं एग्जाम में। और हाँ, एग्जाम का जो पैटर्न होता है हमारी एक्सपेक्टेशन के एकदम बियॉन्ड होता है, ठीक है। जो बच्चे छोटी से लेके बड़ी चीजों तक का पूरा अध्ययन करके जाते हैं वो ही एक्चुअली में टॉपर्स होते हैं और वही एक्चुअली में उनका सिलेक्शन हो पाता है। तो छोटी से छोटी चीजों पर भी फोकस करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। देखिए सवाल बड़ा सिंपल सा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, e होगा, और एक इलेक्ट्रॉन e हो जाएगा, माइनस e है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस e होता है, ठीक है। इना हाइड्रोजन एटम बोल रखा है भाई, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r का है, ठीक है। द कूलॉम फोर्स f बिटवीन इज, इनके बीच में कूलॉम फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो सिंपल सी बात है, कूलॉम फोर्स क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, ठीक है, के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चे सोचते हैं ठीक है ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, आर वेक्टर यहां पे लगा देते हैं। चलो आप सही हो बट प्योर नहीं, पूरे नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे एक साइन नेगेटिव का भी आना चाहिए। अब नेगेटिव क्यों आएगा भाई, ये जो फोर्स है ना वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में आप चार्ज का जो भी साइन है वो यूज करोगे, आप वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका साइन भी लेना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। अगर आप फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तब इस साइन का कोई मतलब नहीं है, इस साइन को छोड़ देना। लेकिन आप जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो भाई जो भी साइन होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही लोगे। अब बच्चे आर वेक्टर है ना, इसको आप ऐसे लिख दो r अपॉन में r क्यूब, ठीक है, ये एक्चुअली में रियल फॉर्मूला है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लो, ठीक है। और आप देख सकते हो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है बच्चे ये वाला ठीक होगा, अक्सर बच्चे सी ऑप्शन ठीक करके आते हैं जो कि गलत है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, नेगेटिव के स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। देखो बच्चों AIPMT में 1999 यानी 1999 में ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन जो है
बिल्कुल थ्योरी पे बेस्ड सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। देखो हमें पता है कि एयर में जो फोर्स होता है किसी भी दो चार्ज के बीच में, 1/4πε0q1q2/r² होता है। अगर यही फोर्स हम किसी मीडियम में निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में दो चार्ज के बीच में, तो ये जो फोर्स है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है k हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी em / e नॉट के बराबर होता है। ओके, तो नाउ बच्चों यहाँ पे डायलेक्ट्रिक जो फोर्स है बच्चों, सिंपल सी बात है, k टाइम्स कम हो जाएगा, आप सबको ये पता है। वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 4πε0 है यहां पर ε0 के साथ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे है तो ये वाली वैल्यू आप इससे भी निकाल सकते हो, जो em है k टाइम्स ε0 हो जाएगा, मीडियम में क्या हो जाएगा, ये em ही हो जाएगा। ओके, और इनटू में q1 q2 / r², तो आप देखोगे जो फोर्स है नया फोर्स वो कितना टाइम्स कम हो जाएगा, k टाइम्स कम हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझना बच्चों, किसी भी मीडियम में आने के बाद जो जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में वो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एयर में जो फोर्स होता है मैक्सिमम होता है, और वाटर में या किसी केरोसिन ऑयल में या डायमंड के अंदर, ग्लास के अंदर जो डायलेक्ट जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्चुअली में डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टाइम्स कम हो जाता है, के टाइम्स घट जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ये याद रखना। तो भाई डिक्रीजेस के टाइम्स, ऑप्शन ए ठीक है। बड़ा सिंपल सा एकदम बिल्कुल थ्योरी का बेस सवाल है, आंख बंद करके बस पढ़े और ऑप्शन देखा और टिक लगा दिया। देखो बच्चा अगला सवाल ये है, AIPMT 1995 में सवाल पूछा गया था, ऑफ नीट आप कह सकते हो बच्चों। अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू। मतलब क्या है भाई, दो इक्वली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दो चार्जेस इक्वली पॉजिटिव है, और यहां पे सेंटर पे बिल्कुल इनके सेंटर पे एक अनादर चार्ज क्यू रख दिया। लेट कर लो भाई इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। क्या इनके बीच में डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस आर है, तो इस क्यू चार्ज को आर बाई टू डिस्टेंस पे दोनों चार्ज से रखा गया है, ठीक है। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो नेट फोर्स होगा इन दोनों पे, इन दोनों पे और इन दोनों पे, क्यू स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू क्यू और क्यू क्यू पर, इन तीनों में जो आपस में नेट फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कंकरेंट आप फोर्स कह सकते हो बच्चों। तो हमें क्या बताना है कि भाई ये जो क्यू चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए किस चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, इक्विलिब्रियम में कब होगा, इस चार्ज का नेचर क्या होगा। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है दोनों, ठीक है, तो यानी कि अगर नेट फोर्स हमें जीरो करना है बच्चों, तो ये जो चार्ज है इसको अपनी ओर खींचे और ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचे, ठीक है, तब ये दोनों जो फोर्स होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये दोनों फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो अब ये हो सकता है कि ये चार्ज पॉजिटिव हो, ठीक है, अभी अपोजिट डायरेक्शन, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट पर कब करेगा, जब ये नेगेटिव होगा, और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये चार्ज नेगेटिव होगा, जब ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि ये दोनों चार्ज और इन दोनों चार्ज का जो पेयर का मैग्नीट्यूड है बराबर होगा, डिस्टेंस भी सेम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस चार्ज पे, जीरो हो जाएगा। भाई या तो ये पॉजिटिव हो चार्ज या तो नेगेटिव हो, ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें हमारे पास ये कहानी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता इस तरफ हो जाता, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता इस तरफ हो जाता, है ना, तो भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तब भी फोर्स यहां पे जीरो हो जाता। चलिए ये चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हमें तो एक ही चार्ज बताना है, तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा, इन दोनों पे क्या होगा फोर्स, के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा के क्यू क्यू अपॉन में आर अपॉन में टू का स्क्वायर। ये मैंने बताया था अगर इक्विलिब्रियम का कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट आता है तो आपको क्या करना है कि भाई जो दोनों चार्जेस है उस पे जो जो दोनों फोर्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, उनको क्या करोगे आप, उनका मैग्नीट्यूड निकाल के बराबर कर देना दोनों फोर्स का, कट जाएगा भाई कैसे, क्यू के क्यू क्यू के क्यू कट जाएगा यहाँ पे, या आर स्क्वायर कट गया भाई यहाँ पे, यहाँ चार आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों,
यहाँ चार आएगा, ऊपर चार जाएगा, ठीक है ना, तो q बाई फोर हो जाएगा भाई। मैग्नीट्यूड तो q बाई फोर, ठीक है, q बाई फोर किसमें आ रहा है, केवल एक यही q बाई फोर आ रहा है। अभी माइनस q बाई फोर क्यों है, माइनस q बाई फोर बच्चों इसलिए है क्योंकि ये चार्ज का जो नेचर है वो क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस q बाई फोर इसका ऑप्शन ए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ए आई पी एम टी 1995 का सवाल है, यानी कि उफ नीट आप बोल सकते हो। पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस प्लस फोर क्यू माइनस क्यू प्लस फोर क्यू आर कैप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू टू ए। मतलब यहां पे एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये जीरो है बच्चों, ये यहां पे क्या ए है और ये क्या है टू ए है। तो यहां पर प्लस फोर क्यू चार्ज, यहां पर प्लस फोर क्यू और बीच में माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब सवाल क्या है कि ओनली माइनस क्यू इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस विल इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो बच्चों ऑप्शन है हमारे पास ओनली माइनस क्यू इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस विल इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए भाई माइनस क्यू इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कैसे पॉसिबल होगा, नन ऑफ द चार्ज विल इन इक्विलिब्रियम। देखो इस सवाल को करने के लिए क्या करना है बच्चों, देखो भाई पहले आप इन दोनों चार्ज को देखो, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स इन दोनों पे जीरो हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये तो इक्विलिब्रियम हो गया सिस्टम। सेम बच्चों अगर आप देखो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा, ये फोर क्यू इसको इधर खींचेगा, ये फोर क्यू इसको इधर खींचेगा, तो अगेन इस पे भी जो नेट चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। तो भाई पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब भाई इक्विलिब्रियम यानी ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो सिंपल सी बात है इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन ठीक होगा। अब स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टेबल का मतलब होता है कि भाई अगर मैं इस चार्ज को और इस चार्ज को कितना भी दूर कितना भी पास कर दूं तब भी मेरा पूरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। जैसा माइनस चार्ज को मैं यहां पर लिख दूं, मैं माइनस को इधर कर दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम स्टेबल पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो ये चार्ज क्या करेगा, ठीक है, ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींच लेगा, तो यानी लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। तो इसका मतलब ये चार्ज है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहा है, तो यानी जो ऑल द चार्जेस है वो क्या है, स्टेबल नहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। सो बच्चों नीट 2021 में पूछा गया एक और थ्योरेटिकल सवाल, A dipole is placed in an electric field as shown in the figure. आप देख सकते हो, in which direction will it move? एक dipole को electric field में रखा गया है,
ठीक है। अब बोला गया कि जो डाइपोल है किस तरफ मूव करेगा, भाई राइट की तरफ मूव करना चाहिए, लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए, कहां मूव करेगा डाइपोल? ये चार ऑप्शन है, टुवर्ड्स लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, टुवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज ये सब चल रहा है इसमें ना। अब देखते हैं भाई क्या है, पहले तो देखो इस डाइपोल का डायरेक्शन क्या है भाई, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द डाइपोल, है ना, यानी मेजर ऑफ डाइपोल का मतलब क्या है कि भाई उस डाइपोल का जो मेजर होता है उसे हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्यू इंटू टू ए के बराबर होती है, यही तो होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज और इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी डाइपोल की लेंथ की डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन और इंटू में चार्ज ऑफ आइदर। तो देखिए बच्चों, डाइपोल हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, डाइपोल मोमेंट जो होता है इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, तो भाई डाइपोल की डायरेक्शन तो हो गई इस तरफ, है ना, ये डाइपोल हो गया। और आपको पता है डाइपोल हमेशा क्या करता है, डाइपोल अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये अपने आपको क्या करेगा, ये अनस्टेबल है भाई, एकदम अनस्टेबल, तो इसका मतलब अपने आपको राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो यानी डिक्रीज इन द पोटेंशियल, ये तो याद रखना कि हमेशा डाइपोल अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखोगे हमेशा। तो यानी इसमें क्या आ जाएगा भाई, टुवर्ड्स द राइट, राइट मूव करेगा क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये राइट की तरफ अपनी पोटेंशियल एनर्जी की तरफ एनर्जी को डिक्रीज करेगा, मिनिमाइज करेगा, ठीक है, तो यानी कि टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, बी ऑप्शन बच्चों इसका ठीक है। सो बच्चों नीट 2020 में सितंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया था, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि यहाँ पे एक चार्ज्ड स्फीयर है, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, k की वैल्यू बच्चों 9 × 10⁹, और चार्ज हमें कितना दे रखा है 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है ना, डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है बच्चों, 15 × 10⁻²− 2 कर लेना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻²− 2 से इंटू करते हैं, अब स्क्वायर कर दो भाई, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे कितना आना चाहिए इसका, 9 × 10⁹ में से 7 गया बच्चों 2, 2 दूनी 4 माइनस 4, 4 ऊपर जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा इंटू में 3.2 और अपॉन 15 × 15 कर देता हूँ, देखो ये कट जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, अगेन 3 × 5 = 15, कैलकुलेशन इजी बनाइए, ठीक है, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी 25 चौक्स हो जाएगा, 4 से इसको इंटू करोगे बच्चों 4 दूनी 8 4 दिया 12 12.8 इंटू में 10⁻ यहाँ पे 2 हो जाएगी 10⁻²² हो जाएगी, यहाँ 6 10, 6 में से 2 गया कितना बचा 4 बचा, तो भाई इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे तो 1.28 × 10⁵ बच्चों 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, जब ये डेसिमल लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे पावर में क्या होता है एडिशन होता है, पावर बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन ए ठीक है इसका। देखो बच्चों एक ये सवाल पूछा गया है नीट 2018 में, सवाल पूछा गया था नीट 2018 का ये सवाल है, और बच्चों ये सवाल भी एनसीईआरटी का सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है और काफी इजी सवाल है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस एच इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब यहां पर क्या है, ये हमारे पास ये हाइट h है, यहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, क्या कर रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं, और यूनिफॉर्मली वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म अपवर्ड डायरेक्टेड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E,
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स किया जा रहा है, यानी ऐसे कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब यहां पे एक प्रोटॉन को फॉल किया जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है बच्चों, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां से एक प्रोटॉन को फॉल कराया जा रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, यहां पे क्या है प्रोटॉन है। ओके, यहां से एक प्रोटॉन को फॉल कराया जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन। फ्रॉम द रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड जीरो, भाई सेम इसकी भी इनिशियल स्पीड जीरो है, दोनों केस में इनिशियल स्पीड जीरो है, राइट। थ्रू द सेम वर्टिकल हाइट एच, अगेन इसको भी एच हाइट से ही क्या कर रहे हैं फॉल कराया जा रहा है, दोनों की हाइट सेम है भाई। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लगेगा इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटोन, और जो प्रोटोन को टाइम लगेगा उनका कंपेरिजन करना है, तो इलेक्ट्रॉन 10 गुना टाइम ज्यादा लेगा या 5 गुना टाइम ज्यादा लेगा, या छोटा होगा टाइम गिरने में या इक्वल होगा दोनों का समय। अब भाई यहां पे ना एक रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको, जब इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है तो भाई यहां पे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है इधर, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन भी है कि नहीं, और ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो भाई हमारे को पता है फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू में चार्ज होता है ना, सॉरी फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन में एम। अभी भाई इतना बात समझो, अभी हमें एक पता है कि जो न्यूटन्स की जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। भाई इनिशियल स्पीड जीरो हो गया, ये एच के बराबर है, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास क्यू ई बाई एम आ रखा है, तो 1/2 क्यू ई अपॉन में एम इंटू में टी स्क्वायर। अगर आप टाइम को देखो टी स्क्वायर, यहाँ पे मास इधर चला जाएगा, ये सब कॉन्स्टेंट है भाई, क्यू ई सब कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, तो टाइम ऑफ प्रोटॉन मोर देन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन ज्यादा समय लेगा फॉल करने में एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विल टेक द स्मॉलर टाइम। हमें इलेक्ट्रॉन का पूछा है ना, इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, तो इलेक्ट्रॉन विल टेक द स्मॉलर टाइम, तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। AIPMT 2000 में आया हुआ ये सवाल है, एक चार्ज अचार्ज्ड वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए, इफ द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए यहां पे क्या है, एक लीनियर चार्ज वायर है, सपोज लेट करते हैं यहां पे, इसको हम लेट कर लेते हैं, और इसकी लेंथ क्या है बच्चों, एल है इसकी, ठीक है, तो यहां पॉइंट पी है, और ये डिस्टेंस क्या है, सपोज ए डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, तो ये पॉइंट पी है। तब इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता था ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू ए के बराबर होता था, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये स्ट्रेट वायर के लिए। अब देखो इसी वायर को इन्होंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, इसी वायर को इन्होंने क्या कर दिया भाई, बेंड कर दिया इस तरीके से। अब यहां सेंटर पे चार्ज क्या है भाई, चार्ज तो वही है, अगर आप देखो तो यहाँ पे चार्ज तो वही है। अब सेंटर पे चार्ज पूछा गया है यहाँ पे, ये डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, सारा डिस्टेंस यूनिफॉर्म है बच्चों, सेम बच्चों। अगर इस पॉइंट के अगर परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, ये सारा डिस्टेंस भी क्या होता, बराबर होता, ठीक है ना। तो यानी एक तरह से आप देखोगे बच्चों यहाँ पर जो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा टोटल बच्चों इसी के बराबर होगा, ये ध्यान रखना, चाहे इसको कितना भी मोड़ दिया जाए, चाहे इससे एक ऐसा वाला आर्क भी क्यों ना बना दिया जाए, तब भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, हमें क्या देखना है कि भाई सर्कमफ्रेंस से कोई मतलब ही नहीं है, पहली बात तो इस लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल तो, ठीक है ना, बस टोटल चार्ज से मतलब है, ये ध्यान रखो। और चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओनली लैम्डा पे डिपेंड करता है। लैम्डा किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। लैम्डा ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना एल पे डिपेंड करेगा, लैम्डा ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना एल पे,
भाई ये रेशियो है और लैम्डा कांस्टेंट होता है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ पर, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई जो ऑप्शन इसका आंसर आएगा ना बच्चों, वो इसी ऑप्शन होगा, सेम होगा, जितना लाइन चार्ज पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इस आर्क के द्वारा सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। AIPMT 1998 में सवाल पूछा गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e एंड देन रिलीज्ड द काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y इज, डिस्टेंस y मूव करने के बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट y है बच्चों। अब फोर्स क्या हो जाएगा, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है q, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, q इनटू में e के बराबर होता है। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, q e y के बराबर होगा, q e y is c ऑप्शन यहां पे ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल था। AIPMT में 1990 में ये सवाल पूछा गया है AIPMT में। सवाल क्या है बच्चों, एक पेंडुलम है, पेंडुलम बॉब जिसका मास इतना दे रखा है हमें, कैरिंग का चार्ज इतना 2 × 10⁻¹⁸ कूलम इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 20,000 वोल्ट पर मीटर, द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज, देखो ये मान लो पेंडुलम यहां पे लटका दिया ऐसे हमने, ठीक है, और यहां पे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 20,000 वोल्ट पर मीटर है, ओके? हमें पूछा गया इसमें टेंशन कितना होगा। अब देखिए टेंशन तो हम निकालेंगे, आप ये देखो कि इस पे जो चार्ज है इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो q इंटू e के बराबर होगा, और ये पेंडुलम को इस तरफ खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और यहां पे कितना है, यहां पे अगर आप देखोगे जो वेट है वो mg के बराबर होगा। तो अब जरा देखो जब ये फोर्स इधर खींचेगा इस पेंडुलम को तो पेंडुलम कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, है ना, और ये क्या हो गया, टेंशन हो गया t, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स f इक्वल टू q e के बराबर हो गया, और ये वर्टिकल फोर्स है जो क्या है, इसका वेट है ग्रेविटी, यानी कि वेट mg हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट हुआ बच्चों वो क्या हो गया, इसका डायगनल हो गया, तो यानी कि यही इसका रिजल्टेंट है और यही टेंशन है, यही तो टेंशन हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो जो टेंशन हो जाएगा बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टेंशन हो जाएगा अंडर रूट क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू ई का मतलब भाई चार्ज कितना है, 2 × 10⁻¹ और यहाँ पे 20,000 है, यानी इसको आप 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर लिख लो, तो भाई 2 × 4 हो गया, यानी 4 × −8 + 4 कितना हो गया, −4 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है। mg कितना हो जाएगा, मास यहाँ पे दे रखा है 30.7 × 10⁻¹⁶ और ग्रेविटी कितनी है, 10 होती है, 10 लेट करोगे तो −5 हो जाएगा बच्चे, तो हो जाएगा 30.7 × 10⁻¹⁵। अब एक काम ये कर सकते हो, जब इस डेसिमल को आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3.07, तो यहाँ पे एक एड हो जाएगा तो ये −4 हो जाएगा, और इसका भी क्या बच्चों होल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो भाई, 4 × 16 तो 16 × 9 कितना हो गया, 25 का अंडर रूट बच्चों 5 हो जाता है, और 10⁻¹⁸ है तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट −4 हो जाएगा। तो भाई इतना टेंशन होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, सी ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन इसमें ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नीट 2021 में आया था और बड़ा थियोरिटिकल क्वेश्चन है भाई, मतलब क्या हो गया भाई नीट 2021 में रैली में इतनी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल थ्योरी वाले क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं कि बस देखो और बस कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। उनमें से एक क्वेश्चन बच्चों ये है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पोल्स क्या हो बच्चों, सेपरेट हो, पोल्स का मतलब भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है। कितना बड़ा डिस्टेंस हो सकता है भाई, बहुत ही कम होता है, मॉलिक्यूल्स आप देख ही नहीं सकते पहली बात तो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आप देख ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है मॉलिक्यूल्स,
लेकिन उनके पोल सेपरेटेड होते हैं, यानी उनके आयंस के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस करीब एंगस्ट्रॉम लेट करके चल लो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि भाई नैनो में भी जा रहा हो, तो बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, यू कैन नॉट सी एक्चुअली में। तो भाई मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऐसे छोटे पार्ट होते हैं किसी मैटर के जिसने आप खुद नहीं देख सकते। तो नाउ व्हाट बच्चों, अब यहाँ सवाल है पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स इन भाषा में अगर हम देखें जो फिजिक्स की भाषा है, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। भाई जीरो डाइपोल मोमेंट कैसे हो सकता है, डाइपोल मोमेंट तो ये हो गया इसका, है ना, पी इस पे डाइपोल मोमेंट है, तो पी क्या हो जाएगा, आइदर चार्ज और इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भाई डाइपोल मोमेंट तो जीरो कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है कतई। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, है नो भाई, डाइपोल मोमेंट ठीक है इस पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, कभी भी इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। हाँ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बेशक से हो जाए वो बात अलग है, और ज्यादा पोलराइज हो रहा है तो ठीक है, लेकिन नहीं, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, नो ये भी ट्रू नहीं है भाई। तो बचा क्या, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जिस पर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों ठीक है। सो एक और क्वेश्चन थ्योरी का, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन बोला बच्चों, इक्वेटोरियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी इज गिवन, आर इज मोर देन सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस फॉर्मिंग द डाइपोल, नीट 2020 में आया हुआ सवाल है। तो देखिए भाई इसमें है क्या, थ्योरी का सवाल है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मान लो एक डाइपोल है और ये डाइपोल का सेंटर है, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर इसे हम बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है, यानी इक्विटोरियल का मतलब ये क्या बच्चों, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहां पे जो डाइपोल का सेंटर है इसी के जस्ट परपेंडिकुलर, इक्विटोरियल ये हो गया, इक्वल का मतलब इक्वल हो जाता है, ठीक है, टोरियल का मतलब परपेंडिकुलर आप कह सकते हो। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे आता था फॉर्मूला वो बच्चों कुछ ऐसे था, यानी कि P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे करके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। अगर आपको पता हो ये A डिस्टेंस है, ये R है, अच्छा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों जो आया था। अगर R की वैल्यू डाइपोल की लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ी है तब उस केस में जो फॉर्मूला हो जाता था E अपॉन P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाता था। तो भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन A ठीक है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए एक्सियल पर क्या होता है फील्ड, भाई इसका डबल हो जाता है E इक्विटोरियल का, यानी 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये होता है एक्सियल पोजिशन पे। तो बच्चे ये सवाल है नीट यानी AIPMT 2012 में ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही बेसिक सवाल है एकदम, यानी बिल्कुल थ्योरी वाला सवाल है। कई बार हम थ्योरी याद रखते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि चलो कौन थ्योरी पूछता है, भाई फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, कोई डेरिवेशन नहीं कह रहा कि पूरी डेरिवेशन आप करो, फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और वही बेसिक सवाल है। तो एकदम सगड़म कितना सारा लंबा सवाल इन्होंने पूछ लिया, लेकिन अंत में एक ही आंसर आया इसका, ठीक है, और जो आप ऑलरेडी आपको याद भी होगा। देखो किसी भी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, किसी भी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो क्या होता है, उस डाइपोल पे कपल एक्ट करना शुरू कर देता है। कपल का मतलब भाई फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगते हैं और ये फोर्स जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो कपल ऑफ फोर्स है ये क्या करता है, डाइपोल को रोटेट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से इस पे टॉर्क एग्जर्ट होना शुरू हो जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा जाता है डाइपोल को, इसमें कुछ एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। अब सवाल है कि शुरू शुरू में इस डाइपोल को क्या कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पे रख दिया, किस पे, 90 डिग्री के एंगल पे, यानी भाई इनिशियल एंगल 90 डिग्री है, तो पूछा गया है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क कितना इसमें लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ठीक है। सो नाउ वॉच, अगर इसको हम थीटा एंगल तक रोटेट कर रहे हैं तो नाउ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टाउ तो होता है भाई PE sin थीटा, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं बच्चों, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस PE cos थीटा होता है। तो sin और cos थीटा ये वेक्टर और स्केलर
स्केलर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली आपने देखा होगा जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें साइन थीटा आ जाता है और स्केलर में कॉस थीटा आ जाता है, तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो। वैसे इन सब में कॉस ही दे रखा है, तो यानी ऑप्शन ए ठीक है बच्चों, पीई साइन थीटा और माइनस पीई कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई साइन थीटा और पीई सॉरी पीई कॉस थीटा, और पीई साइन थीटा क्या होती है, टॉर्क होता है। सो बच्चों नीट 2016 में ये सवाल पूछा गया था, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2×10^5 न्यूटन पर कूलम्ब, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। सवाल क्या है यहां पे बोले डाइपोल को यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा गया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 2×10^5 है, पूछा गया है कि अगर इस पे 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है तो भाई चार्ज कितना होगा इस डाइपोल पे अगर डाइपोल की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल, टॉर्क हमें पता है बच्चों 4 न्यूटन मीटर है, टॉर्क क्या होता है पीई साइन थीटा होता है ना, 4 इक्वल टू पी पहले हम निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों में 2×10^5 दे रखा है, थीटा की जगह 30 पुट कर दो भाई, 2×2 = 4 हो गया, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, ये 1/2 के बराबर होता है ना, 2 यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4×10^-5 पी की वैल्यू हो गई। अब पी क्या होता है यहाँ पे, चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हो जाएगा आइदर चार्ज, है ना। अब ये देखो बच्चों 2 एक इसके बराबर है 2 सेंटीमीटर के बराबर है, 2 सेंटीमीटर का मतलब 2×10^-2 हो जाएगा, 4×10^-5 भाई 2×2 = 4, -2 यहाँ के प्लस हो जाएगा, सो 2×10^-5 प्लस में 2 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2×10^-3 कूलम्ब, यानी कि 2 mC हो जाएगा, mC का मतलब मिली कूलम्ब होता है भाई, तो 2 mC मतलब बी ऑप्शन इसका ठीक है। अच्छा ये NCERT का ही सवाल है पूरा, ठीक है ये NCERT का सवाल है, इन्होंने 2016 में दे रखा है, तो भाई NCERT के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे वो एक्सेलरेशन वाला सवाल दे रखा था, हो सकता है कि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन पूछ ले, है ना, तो NCERT में से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है, उसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं, और जितना हम सोचते हैं कि हाँ देखो अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ भी हाई जाएगी, और पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, प्रोपोर्शन सेम रहता है, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, तो कट ऑफ और जो इजी का जो लेना देना है वो समझ लो कि अगर पेपर कट ऑफ अगर हाई है तो भाई पेपर इजी है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ के चलो। ओके नीट यानी AIPMT 2007 में सवाल पूछा गया था बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस 2Q प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a z इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर, ये दे रखा है √2qa अलोंग प्लस y डायरेक्शन, √2qa अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, qa अलोंग द जॉइनिंग द पॉइंट्स और √aq अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो पहले बच्चों सवाल को रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा इमेज के थ्रू, यानी कि इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्रामेटिकली हम इसको डिपिक्ट करते हैं, देखो ये हमारे पास एक्सिस होगी, लेट कर लो एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है, सेंटर पे अगर आप देखो तो ये सेंटर है ना, ये क्या सेंटर है, इस सेंटर पे चार्ज माइनस टू क्यू रखा हुआ है ना भाई, ये चार्ज यहां रखा हुआ है, ये चार्ज यहां रखा है और ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे रखा है, तो माइनस टू क्यू इसको आप मैं क्या लिख रहा हूं माइनस क्यू और माइनस क्यू ऐसे करके कॉमा करके लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद बच्चों जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहां पे रखा हुआ है वाई पर, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और अनादर जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहां पे रखा हुआ है एक्स पर, यहां पर, यहां पर अनादर प्लस क्यू चार्ज है, ये ए और ये भी ए डिस्टेंस है। पूछा क्या गया है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब देखिए ये जो है यहां पे इस वाले चार्ज इसकी बात कर रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये एक डाइपोल बनाएगा है ना,
यानी इस केस में डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। सेम ही माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ये भी क्या बनाएगा, डाइपोल बनाएगा। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बच्चों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है। ओके, अब देखो ये दोनों जो डाइपोल मोमेंट है, जो एक अलोंग एक्स एक्सिस एक अलोंग वाई एक्सिस, ये बच्चों ए है और ये भी ए है, ध्यान रखना, ठीक है। इनका रिजल्टेंट, इस इन दोनों डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट कुछ ऐसे ये वाला होगा, ठीक है। ये कहां पे मीट करेगा, एक तरह से स्क्वायर बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये ए ए हो जाएगा, ए ए जीरो आप कह सकते हो इसको, क्या कहोगे, ए ए जीरो, यानी एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू ए और जेड की वैल्यू यहां पे जीरो हो जाएगी। तो भाई नेट डाइपोल मोमेंट तो भाई ये हो जाएगा अलोंग दिस, और क्योंकि देखो ये एक परपेंडिकुलर है दोनों के दोनों डाइपोल, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी टू पी स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा पी रूट टू। तो यानी जो नेट डाइपोल मोमेंट है बच्चों वो पी अंडर रूट टू हो जाएगा, और क्यू की पी क्या होता है, क्यू इंटू में ए अंडर रूट टू हो जाएगा। और अलोंग वट, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जीरो जीरो जीरो, यानी ये वाला लाइन देखो, ये जीरो 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 और ए ए जीरो को ज्वाइन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन आया है, यस बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको बच्चों, रूट टू क्यू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए और जेड इक्वल टू जीरो। तो ये इस तरीके से सवाल था बच्चों, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। हाँ बच्चे यही देख के डर जाते हैं भाई क्या दे दिया इन्होंने, बट इतना टफ नहीं है, रीड करो क्वेश्चन, जरूर रीड करो क्वेश्चन, पूरा रीड करो और कोशिश करो, अगर उसका डायग्राम बन रहा है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और उसका डायग्रामेटिकली आप उसको डिपिक्ट कर पा रहे हो, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम है 50% तो डायग्राम में खत्म हो गई, बची कौन सी 30% सॉल्व करना है और 20% क्या है भाई यहां पे आपको देखना है क्या आंसर है। बच्चों 2006 का नीट का AIPMT का सवाल है, नीट में इसलिए बोल रहा हूं आज AIPMT का नाम नीट है बच्चों, पहले नीट को AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, आज ही नीट के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई AIPMT 2006 का ही सवाल है, क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज, बच्चे इसमें अक्सर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, उन लोगों को फॉर्मूला ऐसे याद रहता है, वर्क डन इज माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, लेकिन कई बार वो यहां पे थीटा 1 यहां पे थीटा 2 कर देते हैं, बच्चे ऐसे लिख के आ जाते हैं और फिर वो आंसर अपना गलत कर जाते हैं। देखो यहां पे बोला है थ्रू 90 डिग्री बोला इन्होंने, है ना, यानी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लाइन अलोंग यूनिफॉर्म, तो लाइन का मतलब इनिशियली तो भाई कितना एंगल है, 0 डिग्री है और 90 डिग्री तक इसको रोटेट किया गया है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस, कॉस यहां पे 0 90 और माइनस में कॉस 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस पीई कॉस 90 तो 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस 1 हो जाएगा, तो बच्चों आंसर आ जाएगा पीई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहां पे, ऑप्शन डी इसका ठीक है। सो बच्चों 2004 का ही सवाल है, AIPMT में हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एस क्यू एंड इट्स डाइपोल मोमेंट पी, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली, तो भाई एक डाइपोल है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दिया, कहां पर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बिल्कुल चित करके रख दिया ऐसे डाइपोल को, तो आप देख सकते हो कि इस केस में पूछा गया है कि टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, तो माइनस टू सॉरी टू क्यू ई एंड मिनिमम क्यू ई एंड पीई जीरो एंड मिनिमम क्यू ई एंड मैक्सिमम। तो बच्चों देखो एंगल क्या होगा यहाँ पे, थीटा जीरो, टॉर्क हमें पता है क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा होता है, राइट, थीटा यहां पे जीरो है तो टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, साइन जीरो तो जीरो हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई हो जाएगा, माइनस पीई का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा भाई, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है, जीरो एंड मिनिमम
पोटेंशियल एनर्जी। सो बच्चों ये सवाल पूछा गया है AIPMT 1998 में, ये सवाल आया था AIPMT 1998 का ये सवाल है बच्चों, ठीक है, और काफी थ्योरेटिकल सवाल है ये भी। सवाल क्या है, अ पॉइंट क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। भाई ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भाई एक डाइपोल है, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज किसी पॉइंट पर रखा हुआ है क्यू। ओके, इफ द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द डाइपोल इज आर, ठीक है ये आर डिस्टेंस है, यानी वेरी वेरी बिगर देन साइज ऑफ डाइपोल, ठीक है बहुत बड़ा है मतलब बिगर लार्जर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पूछा गया है, एक तरह से इक्विटोरियल पोजिशन हो गया बच्चों, और इक्विटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के पी अपॉन में आर क्यूब, बड़ा सिंपल फॉर्मूला लिखा है, के मतलब 1/4 pi epsilon naught होता है, ठीक है, सो के पी बाई आर क्यूब होता है, इक्विटोरियल पे ये फील्ड है, तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी के प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, यानी आर के क्यूब के, तो पी एंड आर क्यूब होना चाहिए बच्चों आंसर, यानी कि ये ऑप्शन सही है, बड़ा वेरी फॉर्मूले से ही निकला हुआ ये सवाल है, फॉर्मूले उठाया इन्होंने पूछ लिया भाई क्या होगा बताइए। देखो AIPMT 1996 में सवाल पूछा गया था, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस आर ड्यू टू डाइपोल इज रिलेटेड एज। देखो अब डाइपोल्स की वजह से दो पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल पे, और दोनों के केस में केपी बाई आर क्यूब टू केपी बाई आर क्यूब, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो बच्चों इन दोनों केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ड्यू टू डाइपोल वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन सी इसका ठीक है, बड़ा वेरी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। तो बच्चों AIPMT में 1995 में सवाल पूछा गया था, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ 2×10⁻⁶ कूलम्ब ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3 cm इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2×10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, द टॉर्क ऑन द डाइपोल मोमेंट इज। देखो टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है यहाँ पे जो टॉर्क होता है हमारे पास बच्चों फॉर्मूला, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, पी हमारे पास क्यूई, क्यू इंटू में 2a होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, क्यू की वैल्यू कितनी रखोगे बच्चों, तो क्यू की वैल्यू आप रखोगे 2×10⁻⁶, 2a का मतलब जो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है 3 cm, 3×10⁻², और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों पुट कर दोगे 2×10⁵। सीधा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रख दिया है, इसको सॉल्व कर लो, 2 × 6 = 12 × 10⁻⁶ −6 −8 −3 Nm/Coulomb। अब आप सोचो कि यहाँ पे हमारा आंसर इन्होंने परपेंडिकुलर कहीं नहीं बोल रखा है, तो इस क्वेश्चन में कुछ हिडन बातें थी, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये यहाँ पे अजम्पशन समझ लो या क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, छुपा हुआ था ये, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आंसर ही ऐसे डिजाइन कर रखा है कि यहाँ पे इट इज कंसिडर्ड, मतलब आपको यहीं से सोचना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, तो भाई ये इन्होंने कहीं बोला नहीं है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। So, बच्चों नीट 2019 का ये सवाल है, क्या पूछा गया है, स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्ज +-3×10⁻⁶ कूलम्ब, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, मतलब पहले हम फॉर्मूले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे बोला है एक सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, आप ही कह सकते हो इसके अंदर, स्फीयर के अंदर ये डाइपोल है, अब इस डाइपोल यानी इस स्फीयर से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा ये पूछा गया है, तो बच्चों यहां पे आता है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ ये होता है जो नेट फ्लक्स है वो q नेट अपॉन इप्साइलोन नॉट के बराबर होता है, ये गॉसेस लॉ है।
यानी टोटल चार्ज इनक्लोजेस इन द सरफेस, सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो भाई टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया, टोटल चार्ज जीरो, जीरो बट्टे एप्सिलॉन नॉट जीरो हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया बच्चों, जीरो हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका ठीक है। बच्चों नीट 2019 में सवाल पूछा गया था, नेशनल नेशनल दो दो स्टेट में भी होता है, जैसे उड़ीसा में भी नीट होता है उनका भी अपना, ठीक है, ऐसे ही नेशनल वाले में था, इससे पहले जो सवाल था वो उड़ीसा वाला था। तो दो नीट 2019 में ये सवाल पूछा गया था, यहाँ क्या बोला गया, दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज है विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा कूलम्ब आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर इन फ्री स्पेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। देखो यहां बोल दिया इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ओके, एक पे प्लस लैम्डा है और एक पे माइनस लैम्डा है, इनके बीच में बच्चों डिस्टेंस क्या है, 2r है, बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट है सपोज जो कि r डिस्टेंस से होगा, दोनों लाइन चार्ज से r r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बच्चों हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक लाइन चार्ज है, पहले आप डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, प्लस प्लस चार्ज है मतलब इस पे क्या है, सारे चार्जेस प्लस होंगे, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस लाइन पे और इस लाइन पे सारा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, है ना, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी, दोनों फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो गई लेफ्ट टू राइट, तो नेट फील्ड क्या हो गया, E1 प्लस E2। बच्चों ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना। अब यहां पे एक लाइन चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यहां पे यानी कि लैम्डा अपॉन 2πr εo, ये फॉर्मूला है ना, और सेकेंड वाला भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, 2πr εo, दोनों को जोड़ लो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 2πr εo, 2 से 2 कट गया, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी इसका ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। बच्चों नीट 2019 में सवाल पूछा गया था, बड़ा थियोरेटिकल सवाल है, ठीक है, होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर From the center is, देखो from the center is पूछा है ना, क्या होना चाहिए ये बताओ, एक होलो स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, r है, ओके, और इस ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऊपर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लेट कर लें यहां पर कोई पॉइंट p है, ठीक है, जो सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो जब यहां पे r की वैल्यू लेस देन r हो जाती है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E जीरो हो जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इनसाइड गॉसेस लॉ में था, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, ठीक है। जब r की वैल्यू r हो जाती है तब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1r² होता है, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाता है, ये कह सकते हो, यानी ऑन द सर्फेस, ऑन द सरफेस हो जाएगा, और जब r की वैल्यू ग्रेटर होता है तब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1r² होता है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी ये आउटसाइड हो गया, ये क्या हो गया, आउटसाइड। अब देखो ये सारे ऑप्शन है बच्चों आपके पास, अगर पहला ऑप्शन हम देखें, जीरो एज r इंक्रीजेस फॉर r इज लेस देन r, मतलब अगर ये जो r है इनसाइड इस वाली लाइन में, ये इनसाइड वाला केस हो गया, इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ट्रू है बच्चों ये, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर, ऑफकोर्स अगर ये आर बढ़ेगा तो ई डिक्रीज होगा, आउटसाइड हो गया, तो आउटसाइड के लोगे ना बच्चों, देखो जरा आर इज ग्रेटर देन आर है, तो भाई ऑप्शन ए ही ठीक है, बी सी डी देख लेना नहीं होगा ठीक, कोई सा भी आप चेक कर लेना इसमें, ठीक है, आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इंक्रीजेस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, यहीं पे गलती होगी, यहाँ पे decreases as r increases for r is less than r, भाई r is less than r होगी तो जीरो हो जाएगा, ये भी ट्रू नहीं है, और इस वाले केस में भाई ये भी ट्रू नहीं हो सकता, r is less than r बोल दिया, तो ऑप्शन ए इज ठीक, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट है। यार
नीट 2015 में सवाल पूछा गया था, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय ई इक्वल टू ए इनटू में आर, अ चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ फील्ड विल बी गिवन बाय। तो भाई सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों दे रखी है ए इंटू में आर, अ चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ अ फील्ड विल बी गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू अ स्फीयर, यानी कि स्फीयर अ पॉइंट चार्ज को देखो तो आप के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों ये भी ए ही हो जाएगा, ए इंटू में ए इंटू ए स्क्वायर, के की वैल्यू भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू हो जाएगा, इसको भी क्रॉस इंटू कर दो बच्चों, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए क्यूब इक्वल टू क्यू, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। बच्चों 2012 में ये सवाल पूछा गया था नीट में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज क्यू इज वन ऑफ इट्स कॉर्नर, मतलब एक क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज को रख दिया है बच्चों, एक क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज को रखा हुआ है, यहां पे कहीं पे एक चार्ज को रख दिया है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो q चार्ज है, ठीक है, इसके कितना हिस्सा इस क्यूब को मिल रहा है, ये जो कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, ये जो क्यूब है इस चार्ज से इस चार्ज का कितना हिस्सा शेयर कर रहा है, पहले आप ये चेक कीजिए, मतलब इस क्यूब के अंदर इसका कितना हिस्सा आ रहा है। अगर आप देखो थोड़ा सा, अगर मैं इस बाइसिमेट्री देखूं, सिमेट्री अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो 4 क्यूब ऊपर होने चाहिए बच्चों और 4 क्यूब नीचे होने चाहिए ताकि ये इस चार्ज को कवर किया जा सके, मतलब एक तरह से आपको एक अनादर बड़ा क्यूब बनाना है ऐसे सारे क्यूब को जोड़ जोड़ के, ताकि ये जो चार्ज है बिल्कुल सेंटर में आ जाए बड़े वाले क्यूब के, ओके, यानी बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि भाई एक रूम के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को कवर करने के लिए आपको वैसे ही और रूम बनाने पड़ेंगे, तो टोटल आपको 8 रूम बनाने पड़ेंगे ताकि उस चार्ज के पूरे, उस चार्ज को उस पूरे बड़े से क्यूब के अंदर इनक्लोज किया जा सके। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, यानी यहाँ पे टोटल 8 क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए ना, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी 8 क्यूब से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी टोटल 8 क्यूब से इतना फ्लक्स पास होगा, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों, 1/8 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है, ये आंसर आपका आएगा, यानी बी ऑप्शन इसका ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो बच्चों ये वाला सवाल नीट यानी कि AIPMT 2011 में पूछा गया था, देखो है तो एकदम थ्योरी पे बेस्ड सवाल, और ये सवाल रेलवे पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल काफी बेसिक कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है, अ चार्ज क्यू इज प्ले इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इफ आर इज डबल, अगर रेडियस डबल कर दी जाए, मतलब पहले इतना सा गोला था, अब इसको इतना गोला कर दिया, बड़ा कर दिया, तो पूछा है कि द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, देखो गॉसियन लॉ के अनुसार जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो केवल चार्ज पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता भाई, शेप चाहे कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, ठीक है, झुर्रीदार कैसा भी फेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चेहरे से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है उसके अंदर क्या छुपा है, यानी कि भाई नेट चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, भाई साइज वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है, जब साइज से कोई मतलब ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कि भाई कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, चाहे हम स्फीयर को डबल कर दे या ट्रिपल कर दे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सेम ही रहना है, तो बी ऑप्शन ठीक है भाई, खत्म बात। सो बच्चों ये नीट AIPMT 2010 का सवाल है, सवाल क्या है बच्चों देखो जरा, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेस एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद द सरफेस इन द यूनिट वोल्ट मीटर इज, देखिए सवाल यहाँ पे बड़ा सरल है, यहाँ क्या दे रखा है, ये एक स्क्वायर प्लेन है,
ठीक है, इसके पैरेलल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इसके पैरेलल क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है यहां पे, ठीक है, इसके पैरेलल में एकदम। तो आप देख सकते हो यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा इसका, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड होता है। तो ये एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे जा रहे हैं, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा थीटा 90 हो जाएगा। हमें पता है जो फ्लक्स होता है क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा फ्लक्स होता है, ठीक है। तो यानी ई ए कॉस थीटा का मतलब कॉस 90 हो जाएगा, और भाई कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेन से निकल ही नहीं रही है, तो भाई निकल नहीं रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बच्चे ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, नीट AIPMT आप कह सकते हो। अ थिन कंडक्टिंग रिंग, ये कंडक्टिंग रिंग है, डायग्राम गिवन है, ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है, ई के बराबर है। जो प्लस चार्ज है बच्चों, तो हमेशा फील्ड, फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इस तरीके से। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी, भाई ए सी डी बी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो इस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है ए सी डी बी पे, यानी इस पे आप ये कहते हो, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके थ्रू, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ए के बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी आप बोल सकते हो, ठीक है, और प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा बच्चों, ये बताओ जरा, ये जीरो क्यों होगा, जीरो इसलिए होगा क्योंकि कंडक्टिंग रिंग है, क्या ये कंडक्टिंग रिंग है, और इसके सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा भाई, तो इसीलिए होगा, ठीक है। तो ई ए के बी क्या हो जाएगा, माइनस ई ए सी डी बी हो जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, बोल रखा है इन्होंने ई के बराबर है, तो माइनस ई हो जाएगा ई ई ई ए सी डी बी, ठीक है। अब यहां पे जो फील्डिंग डायरेक्शन है ओके था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ई अलोंग ओके हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें, ई अलोंग ओके वाला बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये नीट 2007 का सवाल है, अ होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू विद इन इट, मतलब इसके अंदर एक चार्ज है क्यू, इसके अंदर ही, ठीक है, इफ आई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व ऑफ सरफेस बी। देखो यहां पे ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है यहां पे, ठीक है, फाई इन्होंने ऐसे बोल दिया है, द फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस ए, मतलब इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो हमें बताना है। अब बच्चों देखो टोटल फ्लक्स क्या होगा इस पूरे, इसका इस पूरे में जो टोटल फ्लक्स है अगर आप वो निकालो, जो नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गॉसस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेट फ्लक्स क्या होगा, देखो सी से भी पास होगा, ए से भी पास होगा, बी से भी पास होगा, ये तीनों फ्लक्स इसके बराबर हो जाएगा भाई, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो तो फाई के बराबर है, इन दोनों से, क्योंकि दोनों सरफेस के सिमेट्री है, यानी भाई बराबर सरफेस है इनका, तो इन दोनों से इक्वल इक्वल फ्लक्स पास होगा, तो भाई ये दोनों फ्लक्स बराबर हो जाएंगे, तो टू फाई ए हो जाएगा, प्लस में ये फाई हो गया बच्चों, है ना, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला उधर चला जाएगा, टू से डिवाइड कर दो, तो फाई ए क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई इंटू वन बाई टू, ये आंसर होगा बच्चों। जो नेट फ्लक्स है ए से जो पास होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई अपॉन में हाफ होगा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ए ऑप्शन इसका ठीक है। सो बच्चों 2006 AIPMT नीट में सवाल पूछा गया था, यानी कि यहाँ पे क्या है, a square surface of side L meter is in the plane of paper, a uniform electric field E is also in the plane of paper is limited by only to a lower half of the square surface, the electric flux in SI units associated with the surface is। सवाल बच्चों ये बोल रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है
और इसके केवल लोअर हाफ में, केवल नीचे वाले आधे हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराई गई है। तो पूछा गया है कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास होगा। देखो सिंपल सा आंसर है इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जीरो। क्यों होगा भाई? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल जा रही है तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर घुस ही नहीं रही है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ही नहीं जा रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स काई बात का, तो यानी कि फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। सी ऑप्शन ठीक है इसका। सो बच्चों नीट AIPMT 2003 में सवाल पूछा गया है, अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे एक क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज को रखा गया था और पूछा गया था कि उस क्यूब के हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो बच्चों वैसे ही कुछ ये सवाल है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंगल क्यूब में ही ये सवाल खत्म करने के लिए बोल दिया गया है। कैसे? एक क्यूब है और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल चार्ज इस क्यूब से जो पास, जो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से जो पास होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स इस क्यूब से जो पास होगा वो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हर एक फेस से कितना चार्ज पास होगा बच्चों? इसका 1/6 होगा, क्योंकि 6 फेस होते क्यूब के, तो हर एक फेस से 1/6 एप्सिलॉन नॉट जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज, सॉरी फ्लक्स पास होगा। तो भाई इसका आंसर क्या है अभी देख लो पहले। अब इसमें इन्होंने अटपटा सा आंसर दे दिया है, अब देख लो, ढूंढ लो अब अटपटा सा आंसर क्या हो सकता है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर 4π से और नीचे 4π से गुणा कर देते हैं, ठीक है, इनटू में 6, क्योंकि 4π भाई मुझे सभी में दिख रहा था, मैंने इसलिए ऐसा कर दिया। अब आप देख लो 4π क्यू अपॉन में 6 × 4π एप्सिलॉन नॉट। भाई डी ऑप्शन ठीक है इसका। कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी। नीट AIPMT में 2003 में सवाल पूछा गया था बच्चों, अ चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है भाई यहां पे, क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच फेस ऑफ क्यूब इज। तो देखिए यहां क्या बोल दिया, एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है क्यू माइक्रोकूलम करके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। तो हर एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, माइक्रोकूलम में तो 10^-6 लिख देना, ठीक है। ये हो गया 6 फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो भाई हर एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? 1/6 से भाग कर देना, तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 10^6 में कर देना। तो सी ऑप्शन बच्चों इसका ठीक है। सो बच्चों नीट AIPMT में 2000 में सवाल पूछा गया था, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज। ये सवाल इससे पहले भी आ चुका था, ये रिपीट हुआ है सवाल बच्चों। तो इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, यानी कि क्यू यहाँ पे 8 है भाई, यानी कि क्यू 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई एक कॉर्नर है, अगर उस क्यूब का हम सिमेट्री देखे उस चार्ज को कवर करने के लिए, क्योंकि हर एक कॉर्नर जो है उस चार्ज का केवल 1/8 हिस्सा ही केवल गेन करता है, ठीक है। तो इसलिए जो फ्लक्स पास होगा उस क्यूब से वो क्यू अपॉन में 8 ε₀ के बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका था, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है बच्चों। देखो बच्चे ये सवाल है, ये AIPMT 1998 में आया हुआ था, AIPMT 1998 में पूछा गया सवाल है उफ नीट, ठीक है। पहले AIPMT था, आज हम इसे नीट के नाम से जानते हैं, जो आप देते हो पूरे दुनिया भर के बच्चे एग्जाम देते हैं, मतलब देश भर के बच्चे एग्जाम देते हैं। देखो बच्चों सवाल क्या है, एक होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। जिनको नहीं पता इंसुलेटेड और इंसुलेटर में क्या अंतर है, तो मैं बता दूं, इंसुलेटेड का मतलब है कि भाई एक कंडक्टर के ऊपर इंसुलेट कर दिया है, ठीक है, इंसुलेटर चढ़ा दिया, जैसे तार के ऊपर PVC की लेयर होती है वैसे इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। गिवन अ चार्ज ऑफ 10 μC, What will be the electric field at the center of sphere of radius 2 meter? Wow, क्या सवाल पूछा है भाई? इस sphere के ऊपर charge distribute है, अंदर तो charge है ही नहीं,
जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल सा जीरो हो जाएगा। क्यों इतना इतनी ज्यादा भसड़ मचा है ना? सिंपल सा आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बेटा ए ऑप्शन ठीक है इसका। देखो बच्चों 1996 में AIPMT नीट यानी कि AIPMT आप कह सकते हो, यह सवाल पूछा गया था। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों, मैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? देखो सवाल जरा समझो, सवाल क्या है बच्चों, यहां क्या बोला है कि भाई अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यूब, यानी मिड क्यूब के मिड पॉइंट पे एक चार्ज क्यू रख दिया यहां पे, ठीक है, ऑफ साइड एल, एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, मतलब यहां पे कहीं पे भी यहां पे एक चार्ज क्यू रख दिया बच्चों इस तरीके से। तो पूछा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा इस क्यूब से? सिंपल सी बात, इस क्यूब के अंदर ही चार्ज आ रहा है, ये चार्ज किसके अंदर है? क्यूब के अंदर ही तो है भाई, तो क्यूब के अंदर चार्ज है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बस यही आंसर है बच्चों। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, ए ऑप्शन इसका ठीक है। देखो बच्चों AIPMT 1993 में सवाल पूछा गया था, ऑफ नीट आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एट NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोल सकते हो, ठीक है, 3×10^6 वोल्ट पर मीटर है, द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 मीटर इज, देखो स्फेरिकल कंडक्टर को हमें चार्ज देना है, कितना चार्ज हम इसको मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सवाल है बच्चों, क्यों यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे इसकी रेडियस सपोज आर इक्वल टू 3 मीटर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KQ बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इस KQ बाई आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना दे रखा है? 3×10^6 है, रेडियस दे रखा है भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, और K यहाँ पे क्या होता है 9×10^9 डिवाइड में हो जाएगा बराबर क्यू, भाई 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट जाएगा, 6 में से 9 गया तो -3 बचेगा, है ना, 10^-3 बराबर क्यू, तो 3 MC होना चाहिए या -3 और में आंसर आ जाए, बी आंसर इसका ठीक है। सो बच्चों नीट AIPMT 1992 का एक सवाल है, यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ था, यहाँ क्या बोले, दो स्फेरिकल कंडक्टर है A and B ऑफ रेडियस 1 mm एंड 2 mm आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 5 cm एंड आर यूनिफॉर्मली चार्ज इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेसेस ऑफ स्फीयर्स ए एंड बी इज, सिंपल सा सवाल है बच्चों, दो स्फीयर है, एक का साइज तो 1 mm है और एक का साइज कितना है 2 mm है, ठीक है, दोनों पे लेट कर लो, एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2 है, ठीक है, अब यहां से क्या किया गया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, किससे, एक कंडक्टिंग वायर से, जब ये कनेक्ट किया जाएगा कंडक्टिंग वायर से तब चार्ज क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा, कब, जब तक पोटेंशियल दोनों पे सेम ना हो जाए, है ना, जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए तब तक चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो बच्चों अगर हम देखें तो दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में क्या हो जाएगा, KQ/R² हो जाएगा, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, चार्ज पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे क्या हो जाएगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों केस में चार्ज जो है सेम है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज का। तो भाई E1/E2, ठीक है, पहले की रेडियस 1 है, दूसरे की रेडियस 2 है, तो यहां पे कर दो 1/1 और 1/2 का स्क्वायर, तो बेटा 4/1 हो जाएगा, 4:1 इसका आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखिए ये हो गए लगभग 30 साल के अंदर जो भी अभी तक नीट यानी कि PMT नीट दोनों को जोड़ के जो भी आए PYQs आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं सेकंड जो चैप्टर है 12th क्लास का यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर उसके सारे PYQs डालूंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू चैप्टर. सी यू टाटा.